बदलापुर में फंसे महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्री, सभी यात्रियों के सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से कोहरा मचा है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी लेट चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि बदलापुर और वानगानी रूट पर चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस पानी में फंस गई है। इस ट्रेन में 700 यात्री सवार हैं। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मुंबई के अलावा तटीय कोकण और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी बारिश हो रही है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस तक पहुंची एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू चालू किया है। यात्रियों को मोटर बोट के सहारे निकाला जा रहा है। नौसेना की 8 फ्लड रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है, जिसमें बचाव दल के अलावा 3 गोताखोर दल भी शामिल हैं। नौकाओं और लाइफ जैकेट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एक सीकिंग हेलीकॉप्टर भी तैनात की गई है। मी आशा वारुडे, महालक्ष्मी एक्सप्रेसमध्ये अडकलेला आहे। आजूबाजूला सगळे पूर परिस्थिती आहे। आमच्याकडे खायला पाणी नाही, प्यायला पाणी नाही, खायला काही नाही आहे आणि या बोगीमध्ये साप घुसला आहे, तर कृपा करून आम्हाला बाहेर काढण्याची व्यवस्था करावी जेणेकरून आम्ही सेफ राहू। महालक्ष्मी ट्रेन तो 5 बजे तक हो गई थी, मेरी 6 बोट अभी काम करना शुरू कर दिया है और मेरी पहली बोट लोगों के पास पहुंच गई। हम बहुत जल्दी लोगों को रिसीव कर देंगे।